नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में, जिसमें हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े सुपरस्टारों से जुड़ी और आपके मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी कुछ स्पेशल खबरें। पहली खबर जुड़ी है पवन सिंह से, क्योंकि इनकी अगली फिल्म में नजर आ सकती हैं रानी चटर्जी। हाल ही में निरहुआ के बर्थडे पार्टी में पवन रानी के नजदीकियां काफी देखी गई हैं। दोनों की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें पवन बड़े प्यार से रानी को देखते नजर आए, तो कभी रानी को अपनी बाहों में जकड़ फोटो की पोज देते नजर आए। कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में रानी को पवन के साथ काम करने का मौका मिल सकता है, ये बात तय है। पवन के होली एल्बम में निधि झा नजर आएंगी, क्योंकि हाल ही में मुंबई के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपने गाने को रिकॉर्ड करने पहुंचे इस सिंगर के साथ, और साथ में दिखी निधि झा, यानी तुरंत गाने की रिकॉर्डिंग करके शूटिंग भी पवन ने शुरू कर दी है। खेसारी के होली गाने का वीडियो सॉन्ग शूट करके मलेशिया पहुंच गए हैं खेसारी, लेकिन वीडियो सॉन्ग शूटिंग से सेट से एक तस्वीर सामने आई है, और साथ ही जल्द ही उनका पहला वीडियो सॉन्ग रिलीज होने वाला है, ऐसी खबरें जोरों पर हैं। अगली खबर जुड़ी है खेसारी लाल और काजल राघवानी से, क्योंकि आज से 3 दिन तक मलेशिया में काजल खेसारी एक साथ रहने वाले हैं और जमकर धमाल भी मचाने वाले हैं। काजल ने अपना लुक काफी ज्यादा चेंज कर लिया है, तो अभी तक जितनी खबरें हमने आपको बताई हैं उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नजर। नए साल की शुरुआत होते ही भोजपुरी की सुपरहिट जोड़ी खेसारी काजल के अलग होने की खबरें भी जोरों पर थी। ऐसा कहा जा रहा था कि खेसारी अब काजल के साथ फिल्म में नजर नहीं आएंगे। इसका एक कारण ये भी था कि उनके साल की पहली फिल्म जाल में खेसारी लाल के साथ सुभी शर्मा और पूजा गांगुली तो नजर आई, लेकिन काजल राघवानी नजर नहीं आई। इसका एक कारण बाद में निकल कर ये सामने आया कि काजल के पास जाल फिल्म के लिए डेट नहीं थी, वो रितेश पांडे के साथ पहले ही फिल्म साइन कर चुकी थी, जिस कारण उन्हें इस फिल्म में खेसारी को अकेला छोड़ना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से महीनों बाद ये जोड़ी एयरपोर्ट पर मिली। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे कि मलेशिया के लिए बीते दिन पहले ये जोड़ी रवाना हो चुकी है दिल्ली से। साल की शुरुआत होते ही खेसारी और काजल की जोड़ी बेशक से कुछ महीनों के लिए टूटी हो, लेकिन एक बार फिर से स्टेज शो के साथ इन दोनों ने शुरुआत कर दी है। एयरपोर्ट पर जब दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों ने ना सिर्फ एक दूसरे का हाल चाल लिया, बल्कि काफी देर तक बातें करते नजर आए और मस्ती मजाक करते नजर आए। खेसारी के चेहरे पर जो भी निराशा दिखाई दी, काजल ने उसे दूर कर दिया। दूर करने के लिए काजल बार बार अपनी बातों से खेसारी को हंसाने की कोशिश कर रही थी। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी के फोन से ही और खेसारी के आईडी से ही काजल राघवानी लाइव आई थी, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी की हर पर्सनल चीज काजल को पता रहती है और वो हमेशा खेसारी का फोन बेहिचक यूज कर लेती है। वेल, इस दौरान महीनों बाद मिलकर दोनों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दी। नेक्स्ट टू 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने हाल ही में अपनी फिल्म जाल की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और लौट आए मुंबई। जैसे ही मुंबई लौटे खेसारी लाल यादव, उसके एक दिन बाद ही वो निकल चुके हैं विदेश के दौरे पर, और ये दौरा खाली नहीं है बल्कि स्टेज शो के मकसद से खेसारी लाल आज से 3 दिन तक लगातार मलेशिया में ही रहने वाले हैं। और इस बार खेसारी स्टेज शो में अकेले नहीं है, बल्कि उनकी जोड़ीदार काजल राघवानी भी उनका साथ दे रही हैं। जी हाँ, मलेशिया जाने से पहले खेसारी लाल ने अपने होली गाने की शूटिंग भी पूरी कर ली है। ऑडियो सॉन्ग के रूप में अभी तक खेसारी लाल के सोशल मीडिया पर 2 गाने रिलीज हुए हैं, जिनमें से एक गाना बता रही है होली के बाद 2 को काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। खेसारी के इस बार के वीडियो सॉन्ग में बेशक से कोई हीरो ना हो, लेकिन जल्द ही खेसारी का वीडियो सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है। जी हाँ, बसंत पंचमी से पहले खेसारी के कई होली के वीडियो सॉन्ग भी रिलीज होंगे। नेक्स्ट टू 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। बहुत कम ऐसा होता है जब किसी भोजपुरी कलाकार को विदेश में स्टेज शो करने का मौका मिले। हालांकि दोहा, कतर और कई सारे ऐसे जगह हैं जहां भोजपुरी कलाकारों की लोकप्रियता काफी ज्यादा है, लेकिन एक दिन से ज्यादा आज तक किसी ने विदेश में स्टेज शो नहीं किया। खेसारी लाल का ये एक रिकॉर्ड ही बन सकता है कि लगातार 3 दिन तक विदेश में स्टेज शो करने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे बीते दिन पहले ये सुपरहिट जोड़ी खेसारी काजल मलेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन मलेशिया के अलावा ये जोड़ी एक और जगह विदेश में ही शो करने वाली है, जिसकी जानकारी खुद दी है काजल राघवानी ने। जी हाँ, मलेशिया के बाद एक और विदेश में ही ये लोग स्टेज शो करेंगे।
सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है रीजनल सिनेमा को आगे बढ़ाने का, क्योंकि इसके जरिए भोजपुरी गानों को सिर्फ भोजपुरी श्रोता गण ही नहीं सुनते बल्कि बाकी के लोग भी सुनते हैं। यही तो कारण है कि भोजपुरी के कई गाने वर्ल्ड फेमस हुए सोशल मीडिया के जरिए ही। और ऐसे में छोटे कलाकारों को तब फायदा होता है जब कोई त्योहार आए, क्योंकि त्योहार के मौके पर सारे छोटे से लेकर बड़े सिंगर्स गाना रिलीज करते हैं जिन्हें सब सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। सभी को इंतजार है इसी बीच पवन सिंह के गानों का, क्योंकि अभी तक जितने भी सिंगरों ने गाने गाए हैं उन्हें लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। पवन सिंह के फैंस को उनके गानों का इंतजार है, तो ऐसे में उनके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होगा कि पवन सिंह अपने गाने की रिकॉर्डिंग कर चुके हैं पूरी। जी हाँ, स्टूडियो से पवन सिंह ने एक तस्वीर भी साझा की है, लेकिन सबसे खास बात तो ये देखने को मिली कि पवन सिंह के साथ उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में निधि झा भी नजर आई। जी हाँ, इस बार निधि झा के साथ पवन खेल सकते हैं होली, क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद वीडियो सॉन्ग की शूटिंग भी हुई हो। वेल, हाल ही में पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया के जरिए भी ये खबर दी है कि आप सबके लिए खुशखबरी है, हमारी होली के एल्बम की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द आप सबके बीच में रिलीज होगा बसंत पंचमी के पहले। जितने भी मेरे चाहने वाले हैं सब यही बोलते हैं कि भैया कोई भी त्योहार हो, आप अगर एल्बम नहीं लाते तो मजा नहीं आता। ये तो सबका प्यार है पवन सिंह के प्रति, इसलिए मैंने टाइम निकाल कर आप सबके लिए होली का एल्बम बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया और बसंत पंचमी के पहले रिलीज होगा। कंपनी में सब आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, आप सबका पवन सिंह, जय माता दी। वेल, इस दौरान पवन सिंह के साथ निधि झा काफी खुश नजर आई। कुछ दिनों पहले ही क्रैक फाइटर के सेट पर भी निधि झा पहुंची थी पवन से मिलने और उस दौरान की तस्वीर भी देखने को मिली। उस तस्वीर को देखकर भी ये कहा गया कि क्रैक फाइटर फिल्म में निधि झा का एक प्रमोशनल सॉन्ग हो सकता है। तो भाई, ये बात तो तय हो गई कि इस साल लूलिया एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री करने जा रही है एक साल के बाद पवन सिंह के साथ, लेकिन किस फिल्म में और किस गाने में ये देखने का इंतजार सभी में बरकरार है। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। आज के सुपरस्टार स्पेशल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी सुपरस्टारों से जुड़ी तमाम खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।